बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, प्यार का। कितना दुआ दिल से जो निकले तो कारामद हो, यकीन दुआ दिल से जो निकले तो कारामद हो। दोस्तों मैं हूँ इकबाल शाह और आज चलते हैं बीफ ग्रीन बोटी के रेसिपी की जाने। बहुत ही खास बीफ ग्रीन बोटी बनाने के लिए बीफ अंडरकट था जिसकी हमने छोटे छोटे क्यूब काट लिए हैं। इसी के अंदर सबसे पहले पपाया पेस्ट, पपीता पिसा हुआ एक चम्मच, अदरक लहसुन पिसा हुआ एक चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई काली मिर्च ऐड की तो ग्रीन बोटी का कलर हो जाएगा ख़राब, सॉल्ट, यकीनन वो अज्जा जहाँ से हुआ जायके का आगाज़, गरम मसाला पाउडर, फ्रेश योगर्ट दही हाफ कप, पिसा हुआ ग्रीन मसाला, धनिया पुदीना और ग्रीन चिली तीनों को यकजा करके पीस लिया था, सफ़ेद मिर्च शामिल की और इसे कर लेना अच्छी तरह से मिक्स। इसी मैरिनेशन में लगभग 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया। कोशिश कीजिएगा और ज़रूरी भी है कि इसे मैरिनेट करने के बाद 2 से 3 आवर्स तक रखा जाए, रात भर अगर रख लें तो और ज़्यादा बेहतर है। जरा सा कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून मैरिनेटेड बीफ है लेकिन पहले सिर्फ आपने बोटियां निकाल कर आपने ऐड करनी है। कीजिए अच्छी तरह से मिक्स। मजे का बहुत ही खास वेरी वेरी स्पेशल बीफ ग्रीन बोटी हो चुकी है तैयार। आखिर में ऐड करते हैं फ्रेश ग्रीन हाफ कप, तो इसे जरा और कर लेते हैं मिक्स। रेसिपी हो चुकी है तैयार, अब चलते हैं सबसे अहम मरहला प्रेजेंटेशन की जाने। लास्ट में बहुत ही खास क्रिस्पी खस्ता पराठा, गार्निश के लिए जिंजर जूलियन कटी हुई टू मेक इट मोर कलरफुल, टमाटो इस तरह से। जी दोस्तों बहुत ही खास बीफ ग्रीन बोटी हो चुकी है तैयार क्रिस्पी पराठों के साथ। लेते हैं इजाजत, फ्रेश वन के एक और एपिसोड के साथ मुलाकात होगी, जरूर ट्राई कीजिए और इतना ही कहेंगे इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट।